हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, बात करेंगे न्यूरोकाइन प्लस एनएफ इंजेक्शन के बारे में। कहां पर यूज़ किया जाएगा, क्या कंपोजिशन होता है, क्या क्या फ़ायदा देने वाला है, सब कुछ जानेंगे, साइड इफेक्ट, डोज, सावधानियां। तो देखते रहिए वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञान ईयर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। न्यूरोकाइन प्लस NF एक ब्रांड नेम है जो कि मैनकाइंड के द्वारा बनाया जाता है। मैनकाइंड एक अच्छी कंपनी है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। और ये एक जस्ट मल्टी विटामिन है। मल्टी विटामिन बोलो तो, जब किसी व्यक्ति के शरीर में मल्टी विटामिन की कमी हो जाती है, किसी भी तरीके से शारीरिक कमजोरी हो जाती है, तब उसको अपन इतना टाइम नहीं है कि अपन टैबलेट्स या कोई नेचुरल डाइट से उसका हेल्थ को ठीक कर सकें या वीकनेस को दूर करें, तो इस तरह के इंजेक्शन लगाया जाता है। मतलब कि वीकनेस को दूर करने के लिए इसको लगाया जाता है। अब होता क्या है कि ये IM और IV दोनों तरीके से लगाया जाता है, इंट्रावीनियस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, नस में भी और मांस में लगा सकते हैं। कब यूज़ करेंगे? देखो, होता क्या है कि बढ़ती हुई उम्र के बाद लोगों के अंदर हाथ पैर में सुन्नपन आ जाता है, हाथ पैर दुखते हैं, उनको ऐसा बहुत थकावट फील होती है बार बार। 40 के बाद महिलाओं में, 50 के बाद या 30-40 के बाद आदमी औरत किसी में भी कमजोरी महसूस होने लगती है। तो क्या होता है कि अपन नॉर्मल न्यूरोवियन फोर्ट लगा देते हैं, एक हफ्ता एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे अपन एक हफ्ते तक लगा सकते हैं, तो वो भी काम करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की ज़्यादा कमजोरी हो, ज़्यादा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन हो, तब वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो पहले समझेंगे इसका कंपोजिशन, फिर समझेंगे इसका यूज़ क्या रहेगा। देखो, मीकोबालामिन इसके अंदर पाया जाता है 1500 माइक्रोग्राम। मीकोबालामिन है, नियासिनामाइड है 100 मिलीग्राम, और विटामिन B6 है, पायरेडॉक्सिन है 100 मिलीग्राम। तो ये इसका कंपोजिशन होता है दोस्तों। और बात करें इसकी यूजेस की, तो देखो, जिन लोगों को नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, भाई नर्व मतलब कि उनके शरीर में सुन्नपन हो जा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, भूलने की समस्या हो गई है, या उनके वाइटल फंक्शंस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई बीमारी हुई अचानक से, तो उनका शरीर जो है गड़बड़ हो गया है, मतलब ठीक है ना, वाइटल फंक्शन इन द सेंस कि आपका किडनी, हार्ट, लिवर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपके शरीर में कमजोरी के कारण ये सारे ही फंक्शंस रुक जाते हैं, तो इनको भी मेंटेन करने के लिए वो सबसे बेस्ट पैरालिसिस के मरीजों में, भाई जिन लोगों को लकवा मार जाता है, ठीक है ना, नर्व्स का डैमेज जब हो जाता है, हमारे शरीर में कई सारी नर्व्स फैली हुई हैं ब्रेन से पूरे अंगों तक, जब ये डैमेज होती हैं बढ़ती हुई उम्र के साथ, तो ये काम करना बंद कर देती हैं, तो आदमी का हाथ मूव नहीं करता, उंगलियां हाथ पर कांपते हैं, ये सब जब समस्याएं होती हैं तब इसको लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, नर्व्स को इम्प्रूव करता है। जब आदमी की नर्व इम्प्रूव हो जाती है तो फिर समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। सो किसी भी तरह की कमजोरी हो, हाथ पैरों में कपकपी होती है, पैरालिसिस हो गया है, या बार बार थक जाते हैं, तो इसको लगाया जाता है। अच्छी बात क्या है, इसकी खास बात ये दोस्तों कि ये कम प्राइस पे मिलता है, आपको रीजनेबल प्राइस बोल सकते हैं, कम कीमत पे, और ये कॉम्बिनेशन बहुत महंगा आता है, तो इसलिए ज़्यादा चलता है, डॉक्टर्स लिखते हैं इसको। और बात करें इसका, एक और यूज़ होता है कि भाई अगर आप मोटे हैं तो आपके लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है ना, ये आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मोटापे को कम करने के लिए ठीक है, लेकिन इसको आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। जब यूज़ करना, जब आपके शरीर में कमज़ोरी होगी। कुछ सावधानियाँ, जैसे कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स मतलब जो महिला बच्चों को दूध पिलाती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शराब के साथ इसको यूज़ नहीं करना कि आदमी ड्रंक है और आप उसे इंजेक्शन लगाएं, तब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि अगर सही से इंजेक्शन ना लगाया गया तो हो सकता है उस जगह पर सूजन आ जाए, रेडनेस आ जाए, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा देखे नहीं गए हैं। और लगाने का तरीका यही है कि आप इससे चाहे तो नस में लगा सकते हैं, जब बोतल चल रही होती है आदमी को ड्रिप, तब बोतल में भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट नस में लगा सकते हैं, या कमर पे मतलब कि इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं, कंधे पे जो डेल्टॉइड मसल होती है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और पीछे भी लगा सकते हैं। सो किसी भी तरह से लगा सकते हैं, और एक दिन छोड़ के लगाएंगे और 4-5 इंजेक्शन लगाना रहते हैं, इतने में काम हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ये जो डोज बताया मैंने, ये एडल्ट व्यक्ति का है, छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।